तीन राज्यों में बीजेपी ने बंपर जीत हासिल कर ली है। पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए लेकिन सीएम फेस के साथ नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। और अब प्रचंड जीत के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बीजेपी में सीएम बनने को लेकर जद्दोजहद जारी है। सबके जहन में बस यही सवाल है कि आखिर तीनों राज्यों में कौन होगा मुख्यमंत्री। तो चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर बीजेपी की सरकार किन किन राज्यों में है। किन 12 राज्यों में बीजेपी की सरकार? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, मणिपुर, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। बीजेपी गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम। अब एक नजर उन तीन राज्यों पर भी जहां बीजेपी ने बंपर जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर 65 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से अभी बीजेपी के पास 61 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में 28 लोकसभा सीटें हैं, राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। देश में कुल लोकसभा सीटें 543 हैं जिनमें से 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी और भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 सीटें जीती थी। तो अब जरा उन मुद्दों पर भी बात करते हैं जो वादे बीजेपी ने किए हैं क्योंकि इनके तार पूरी तरह से लोकसभा चुनाव से जुड़े हैं। क्योंकि बीजेपी का कहना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो 400 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। देखा जाए तो कई ऐसे राजनीतिक पंडित हैं जिन्होंने दावे किए हैं कि ये पांच राज्यों के नतीजे 2024 का सेमीफाइनल है। मध्य प्रदेश से किए वादे, उज्ज्वला स्कीम के जरिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर, गरीब परिवार की बच्चियों की 12वीं तक की पढ़ाई फ्री, हर महीने 100 यूनिट तक की बिजली सिर्फ 100 रुपए में देने का वादा, गरीब परिवार की बच्चियों को 21 साल की उम्र पूरी होने तक कुल 2 लाख रुपए देने का वादा, लाडली बहना योजना के तहत गरीब महिलाओं को हर महीने 1200 रुपए देने की बात, आने वाले समय में इस राशि को 3000 तक करने की बात कही जा रही है, किसान सम्मान निधि और किसान कल्याण योजना के दायरे में आने वाले किसानों को सालाना 12000 रुपए देने का वादा, एमएसपी पर गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल और चावल की 3100 रुपए प्रति क्विंटल पर करने का वादा। छत्तीसगढ़ से किए वादे, मैतारी वंदन स्कीम शुरू होगी जिसके तहत शादीशुदा महिलाओं को सालाना 12000 रुपए की मदद दी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना लॉन्च होगी जिसके तहत किसानों को साल भर में 10000 रुपए दिए जाएंगे। गरीब परिवार की महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा। छात्रों को हर महीने ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा। अगले 2 साल में 1 लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। राजस्थान में किए गए बीजेपी के महत्वपूर्ण वादे, उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा, 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा, किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाली रकम को बढ़ाकर 12000 रुपए करने का वादा, हर जिले में एक महिला थाना, हर पुलिस स्टेशन में महिला डेस्क और एंटी रोमिंग स्क्वाड का गठन किया जाएगा, 12वीं के परीक्षा पास करने वाली मेधावी लड़कियों को स्कूटी देने का वादा, गरीब परिवार की लड़कियों की केजी से लेकर पीजी तक की पढ़ाई फ्री होगी। इसके साथ ही बीजेपी ने इन चुनावों में इन वादों को मोदी की गारंटी बताया था जिस पर विश्वास जताया गया है। इसे समझा जा सकता है कि मोदी मैजिक कायम है। तो चलिए अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर नजर डालते हैं, उन चेहरों पर बात कर लेते हैं जिस पर ये कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी का वो चेहरा है जिसने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में एक लंबे समय तक भाजपा की जड़ों को मजबूत से जमाकर रखा। इंदौर के लगभग सभी विधानसभा सीटों पर 1990 से लगातार 2013 तक विधानसभा चुनाव लड़े और जीते। 1975 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक सफर की शुरुआत करते हैं। 1983 में पहली बार इंदौर नगर निगम में पार्षद बनते हैं। 1990 में इंदौर में 4 सीट से पहली बार विधायक चुने गए। इसके बाद 1993 में इंदौर 2 सीट से टिकट मिला और चुनाव जीतकर फिर से विधायक बने। 1998 के चुनाव में इंदौर 2 से फिर से टिकट मिला और फिर से विधायक चुने गए। 2000 में इंदौर शहर का महापौर बने। 2008 में मऊ सीट से चुनाव जीतकर फिर से विधायक चुने गए। प्रहलाद पटेल, डिप्टी सीएम पद के लिए इनका नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। दमोह लोकसभा संसदीय क्षेत्र सांसद और मोदी कैबिनेट में सांस्कृतिक मंत्रालय के राज्य मंत्री, पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल। राजनीति में आने से पहले ठुकरा दिया था डीएसपी का पद। जी हां, उन्होंने बुंदेलखंड का बड़ा नेता माना जाता है। साल 2005 में वो भारतीय ने भाजपा से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी की स्थापना की थी तो पटेल भी उनके साथ हो गए थे। हालांकि 3 साल बाद ही मार्च 2009 में उन्होंने भाजपा में घर वापसी कर ली थी। पहली बार वे 1989 में लोकसभा के सदस्य चुने गए थे। 2003 में जब उन्हें अटल सरकार में कोयला राज्य मंत्री बनाया गया, भारतीय जनता मजदूर महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारतीय जनता मजदूर मोर्चा का अध्यक्ष भी बनाया गया।
चलिए ये तो बात हो गई मध्य प्रदेश की, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। रेणुका सिंह सरूता पीएम मोदी की टीम में प्रदेश में शामिल एकमात्र सांसद रेणुका सिंह सरूता को आदिवासी मामलों के मंत्रालय का केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया गया। रेणुका सिंह की पहचान भी तेज तर्रार छवि वाली आदिवासी नेता के रूप में होती है। पीएम मोदी ने प्रदेश से पहली बार निर्वाचित सांसद रेणुका को अपनी टीम में जगह दी। प्रदेश में हाल ही में विधानसभा चुनाव में सरगुजा की 8 विधानसभा सीटों से भाजपा बिल्कुल साफ हो गई थी। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने रेणुका को टिकट दिया। तेजतर्रार आदिवासी नेता की छवि वाली रेणुका सिंह का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी खेलसाय सिंह से था। रेणुका ने खेलसाय को 1.5 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया था। यानी ये कहा जा सकता है कि इनका जो दबदबा है अपने क्षेत्र में काफी अच्छा है, पकड़ बहुत अच्छी है। अरुण साव कौन है? अरुण साव 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट से बिलासपुर से सांसद चुने गए थे। साव मंगोली के रहने वाले हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा आलाकमान ने 2014 में 1.76 लाख वोटों से सांसद बने लखनलाल साव का टिकट काटकर उन्हें बिलासपुर से उम्मीदवार बनाया गया था। अरुण साव समाज से ताल्लुक रखते हैं और ये जाति छत्तीसगढ़ में ओबीसी वर्ग में बहुसंख्यक है, इसलिए वो संगठन की पहली पसंद होंगे। उनकी संगठन में साफ सुथरी इमेज है, इसी के चलते इनको प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी मिली थी और अब डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। अब बात करें तो राजस्थान की ओम माथुर। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की टीम को पूरी तरह से बदला गया है। पहले प्रदेश अध्यक्ष, फिर नेता प्रतिपक्ष, उसके बाद प्रदेश प्रभारी का चेहरा बदल दिया गया। वहीं जिला स्तर टीम में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले रणनीति बनाने के लिए ओम माथुर की टीम एक्टिव हो चुकी है। ओम माथुर ने अपने पहले दौरे में दावा किया था कि आने वाले समय बीजेपी का ही होगा, जो सही साबित होगा। बाबा बालकनाथ कांग्रेस नेता ने मजाकिया लहजे में बालकनाथ को राजस्थान का नया मुख्यमंत्री बताया था और लग भी ऐसा ही रहा है। दरअसल सबसे ज्यादा हॉट सीट कहे जाने वाली तिजारा रही है और जहां खुद योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गए थे और यूपी से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी भेजे गए थे। पूरे राजस्थान में बीजेपी के ध्रुवीकरण नीति को फैलाने और कामयाब बनाने में बाबा बालकनाथ के बयानों की बड़ी भूमिका रही। अब कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी आलाकमान ने इस नीति का लोकसभा चुनाव में भी विस्तार करने का फैसला किया है तो बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री के रूप में चौंकाने वाला नाम हो सकते हैं, कयास लग रहे हैं। लेकिन आलाकमान तय करेगा कि आखिर कौन 3 राज्यों में मुख्यमंत्री होंगे, किन को डिप्टी सीएम का पद मिलेगा। थोड़ा सा इंतजार और करना।